भारत के 15वें राष्ट्रपति चोण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वोट का किया इस्तेमाल तो उत्थे पंजाब के विधायक अते संसद मैंबर भी वोट पाने लई पहुंचे विधानसभा। इस दौरान विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी किया वोट का इस्तेमाल। बलात्कार मामले गिरफ्तार किए गए लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस को पुलिस रिमांड तो मिली राहत। अदालत ने पुलिस को रिमांड देने तो इनकार कर दिया, 14 दिन की जुडिशियल हिरासत से भेजा। दस दिए कि सिमरजीत बैंस को इस तो पहला गिरफ्तारी उपरंत दो बारी रिमांड से भेजा गया, अज एक बार फिर बैंस को अदालत किया गया पेश। भ्रिष्टाचार मामले च साबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया हाई कोर्ट तो वड्डी राहत। गिलजिया राहत दिंदिया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 जुलाई तक गिरफ्तारी से लगाई रोक। इस दे नाल ही अदालत ने पंजाब सरकार कोलों मामले की रिपोर्ट के नाल नाल जुड़े तत्थ भी पेश करन दी। राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने पंजाब तो संसद मैंबर वजो चुकी सहुं, नाल ही कहा तनदेही नाल करांगा आम लोगों की सेवा। दस दिए कि अज आम आदमी पार्टी के वलों नवे चुने गए कैबिनेट मंत्रियों ने संसद के मानसून सैशन का अज पहला दिन। अज सैशन के पहले दिन नवे संसद मैंबर ने चुकी सहुं। इस दे नाल ही पंजाब तो राज्यसभा मैंबर अते क्रिकेटर हरभजन मान ने भी संसद च चुकी सहुं। दस दी कि आम आदमी पार्टी ने उन्होंने अपना राज्यसभा मैंबर उम्मीदवार एलानिया है। इस दे नाल ही हरभजन मान नूं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी सौंपी जा सकती है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के करीबी ते मैनेजर कहे जाने वाले शगनप्रीत सिंह नूं हाईकोर्ट तो वड्डा झटका। मूसेवाला के कतल तो बाद सुर्खियां च आए शगनप्रीत ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट नूं अगाऊं जमानत लई पटीशन दायर की सी, जिसनों हुण अदालत ने रद्द कर दिता। हालांकि हाईकोर्ट ने सुरक्षा की अर्जी नूं मंजूरी दी है। दस दी कि शगनप्रीत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो दस्या सी जान खतरा। सिमरजीत सिंह मान ने अज अपने अहुदे की चुकी सहुं, संविधान में जताया विश्वास। मान ने स्पीकर ओम बिरला नाल उन्हां दे चैंबर में मुलाकात की थी ते स्पीकर दे दफ्तर में चुकी सहुं। श्रोमणी अकाली दल के आगू मनप्रीत सिंह गयाली का वड्डा बयान, राष्ट्रपति चोणां लई वोट पाउण लई कीता इनकार। कहा देश सिख कौम से कुरबानियां कीतियां हन पर सिखां नाल हमेशा ही वितकरा हुंदा रहा। इस बार भी राष्ट्रपति चोणां लई सिख कौम नाल नहीं कीता गया सलाह मशवरा, जिस कारण चोणां दा बाइकाट कर दिया। मंत्री कुलदीप धालीवाल ने सदर शुगर मिल फगवाड़ा नूं किसानां नूं 22 करोड़ की अदायगी करन दे दिते निर्देश। धालीवाल ने किसानां नूं 22 करोड़ की अदायगी करन दे दिते निर्देश। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा करन दे दिते हुक्म। उन्होंने अज PWD विभाग के अफसरों नाल कीती मीटिंग अते उन्होंने अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा करन दे हुक्म कीते जारी, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट दी। देश के 15वां राष्ट्रपति चुनाव लिए सांसद के विधायक पाउणगे वोट। इस चोण लिए राजग के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति विरोधी धिर के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा तो मजबूत वोटों का काम। संसद भवन के वख-वख सूबों दी राजधानियों में सूबाई विधानसभा में वोटों की गिनती 21 जुलाई को और 25 जुलाई को राष्ट्रपति चुकणगे सहुं। संगरूर तो सांसद सिमरजीत सिंह मान ने अज अहुदे की चुकी सहुं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी और उन्होंने दफ्तर च कीती सहुं चुकण की रस्म अदा। आम आदमी पार्टी के पंजाब तो राज्यसभा मैंबर हरभजन सिंह ने चुकी अहुदे की सहुं। हरभजन तो इलावा विक्रमजीत सिंह सानी और संदीप कुमार पाठक ने भी राज्यसभा विखे स्पीकर वेंकैया नायडू की मौजूदगी चुकी सहुं। भारत के नवे उपराष्ट्रपति चुनने लिए 6 अगस्त को होने वाली चोण लिए NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दाखिल की नामजदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रधान JP नड्डा सने पार्टी के सीनियर आगू रहे मौजूद। संसद का मानसून सैशन अज तो होया शुरू, 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सैशन। इस बार सैशन काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार विरोधी धिर सरकार को कई मुद्दों में घेरन दिते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारियां सियासी पार्टियां दे मैंबरां नूं कीती बेनती। कहा संसद विच खुले मन दे नाल करो चर्चा, सारियां दी कोशिश दे नाल चलदा सदन। सदन दी मर्यादा वधाउण लई असीं सारे अपनियां जिम्मेवारियां नूं निभाउंदे होए इस सैशन नूं राष्ट्र हित दे कम्मां लई होणी चाहीदी। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक लिए मुलतवी, विछड़ियां रूहां नूं दित्ती श्रद्धांजलि। जापान के सबका प्रधानमंत्री शिजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के सबका राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायेद अल नाहान, कीनिया के सबका राष्ट्रपति मवई किबानी के देहांत से श्रद्धांजलि की भेंट। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की तेज। सतेंद्र जैन के जरिए अज ED उन्हों की पत्नी तक पहुंची। ED ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन तो की पूछगिछ। दिल्ली वक्फ बोर्ड च नियुक्तियां च धांधली और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मामले फिर फड़िया जोर। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सबका प्रधान और आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अमानतुल्ला खान के बोर्ड के सबका कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ CBI मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने खाण पीण वाली चीज़ों GST के दायरे में लियाए जाने पर केंद्र सरकार की की आलोचना। उन्हें कहा जनता को राहत देने का समय दिता जा रहा है दुख। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा सरकार वालों ले गए फैसले नाल मध्यवर्गी परिवारों की जेबां ते करेगा असर।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ GST ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਟ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलकाट विखे एक यात्री बस पुल की रेलिंग तोड़ के नर्मदा नदी च डिगी। घटो घट 13 यात्रियों की हुई मौत। बस इंदौर तो जा रही थी महाराष्ट्र। मोटरसाइकिल सवार को बचाते समय वापरिया हादसा। यात्रियों की मौत से प्रधानमंत्री ने किया दुख जाहिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों लिए किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड चो मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपये देने का ऐलान। मदरसों च पढ़ाउणगे टेट पास अध्यापक। यूपी सरकार का वड्डा फैसला। यूपी सरकार ने लिया वड्डा फैसला, हुण मदरसों च पढ़ाउणगे सिर्फ टेट पास अध्यापक। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत हुण यूपी विच टेट पास टीचर ही देणगे सिक्ख्या। जम्मू कश्मीर के पुलवामा च अतवादियों वालों CRPF से हमला। हमले च CRPF का एक अधिकारी होया शहीद। पुलिस से CRPF की सांझी चौंकी से अतवादियों ने की गोलीबारी। गोली लगन CRPF का ASI गंभीर जख्मी। हस्पताल जाके हुई मौत। अमरीका विच एक बार फिर गोलीबारी हुई। ऐतवार की शाम एक बंदूकधारी ने इंडियाना प्रांत के ग्रीनवुड के मॉल विच अंधाधुन गोलियां चलाईया, जिस विच 4 लोगों की मौत हो गई और 3 होर जख्मी हो गए। हमलावर नू मॉल दे विच ही मौजूद हथियार दे नाल लैस एक नागरिक ने मार गिराया। इंडियाना पुलिस के अनुसार राइफल नाल लैस एक हमलावर ने मॉल दे विच मौजूद लोगों उत्ते फायरिंग की। इस तो पहला कि वह होर लोगों नू मारदा, उत्थे मौजूद नागरिक ने उसनू गोली मार के मार दिता। यूनान विच एक कारगो जहाज के हादसाग्रस्त होने की खबर सामने आई, जिस विच सवार सारे 8 दे 8 लोगों की मौत हो गई। यह जहाज बंगलादेश आ रहा है, जो कि उत्तरी शहर कवाला विच क्रैश हो गया। पायलट ने इंजन की समस्या कारण कवाला हवाई अड्डे से एमरजेंसी लैंडिंग लई बेनती की, पर रनवे से पहुंचन तो पहला ही जहाज हादसाग्रस्त हो गया। उस समय जहाज के 8 यात्री सवार सन, जिन्हों की मौत हो गई। भयानक आर्थिक संकट नाल जूझ रहे श्रीलंका च अज तो फिर एमरजेंसी की गई लागू। यह हुक्म कार्यकारी प्रधान रोनिन विक्रम सिंघे ने दिते सन। श्रीलंका दे विच 20 जुलाई नू राष्ट्रपति चोणां होण जा रहीआं ने, जिस तो पहला सोमवार नू देश विच तुरंत प्रभाव दे नाल एमरजेंसी की घोषणा की गई सी। 225 संसद मैंबरां दे वल्लों 20 जुलाई नू नवें राष्ट्रपति की चोण कर ली जाएगी। अमरीका के उत्तरी लास वेगास हवाई अड्डे से 2 आम हवाबाजी जहाजों की टक्कर च घट्टो घट 4 लोगों की हुई मौत। पाइपर PA-46 ऐतवार को स्थानक समय अनुसार दोपहर करीब 4 बजे लैंडिंग दौरान सेसना 172 के नाल टकरा गया। क्लार्क काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन ने कहा कि हादसे दे विच कोई भी नहीं बचिया। FAA अते नैशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है अते पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा क्यों वापरिया। मशहूर हवाई कंपनी सिंगापुर एयरलाइन ने अपनी भाईवाल घट किराए वाली एयरलाइन फ्लाइट स्कूट नाल मिल के पंजाब नू सीधा कैनेडा दे नाल जोड़ दिता है। हुण पंजाबी वैनकूवर नू पंजाब तो सीधी फ्लाइट फड़ सकते हैं, तो हुण दिल्ली की खज्जल खुआरी तो बच के पंजाबी अपने हवाई सफर नू सुखाला कर सकणगे। इराक के उत्तरी प्रांत नीनवे विच ड्रोन हमले दौरान तुर्की विच 5 अतवादी ढेर। इराकी काउंटर टैरोरिज्म सर्विस के बयान के मुताबिक एक औरत समेत PKK के 5 मैंबर मारे गए। तुर्की के ड्रोना नू सूबाई राजधानी मोसूल के पछम के विच बगदाद तो लगभग 400 किलोमीटर उत्तर के विच एक पिंड नेड़े बंबारी की। हुण सुडान इथोपिया सरहद नू खोलण दा कीता जा रहा है फैसला। सुडान ने दोवां देशां विचकार विश्वास पैदा करन अते विवाद नू सुलझाउण दी कोशिश दे विच इथोपिया दे नाल लगदी सरहद ते गलाबाट क्रॉसिंग नू खोलण दा कीता फैसला। कौंसल ने सरहदी निगरानी वधाउण अते सरहदों पार हथियारबंद तत्तां दी आवाजाई नू रोकण लई दोवां देशां दरमियान तालमेल नू बेहतर बनाउण दा कीता फैसला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंसकी ने ऐतवार को सुरक्षा मुखी और सरकारी वकील को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के हमले तेज कर दिए ने। राष्ट्रपति ने बर्खास्तगी के पिछे विभाग और होर कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लोगों के नाल देशद्रोह और मिलीभुगत का लगाया दोष। भारत ने चीन नू पछाड़ के श्रीलंका नू कर्जा देने दे मामले दे विच नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लिया, जो कि गंभीर वित्तीय संकट दे विच है। अखबार डेली मिरर दी रिपोर्ट दे अनुसार इस साल दे 4 महीनों दे अंकड़े दसदे हन कि भारत ने श्रीलंका नू 37.69 मिलियन डॉलर दी कर्जा सहायता दित्ती है।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਰਾਕੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਹਸ਼ਦ ਸਾਬੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਤਰਮੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ 2022 ਦੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ। ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਸੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਸੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੇਸਰੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਦਾ ਗੀਤ ਕੇਸਰੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਸਰੀਆ ਨੂੰ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਅਮਿਤਾਭ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਦਿਖਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ। ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ, ਜੌਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ 'ਤੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 5%। GST ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ GST। ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇਗੀ 18% GST। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 400 ਤੋਂ ਨਿਫਟੀ 100 ਅੰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 400 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਸਵੇਰੇ 9.21 ਮਿੰਟ ਸੈਂਸੈਕਸ 54,174, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 16,180 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਸ ਸਾਲ FD ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ 9% ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਘਾਟਾ। ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 9% ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਘਾਟਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 124 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। 124 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ, ਜਦਕਿ 22 ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ UP ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਟੈਕਨੋ ਸਪਾਰਕ 9 ਲਾਂਚ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 11 GB ਰੈਮ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ। ਟੈਕਨੋ ਸਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜੋ ਕਿ 9,499 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਂਚ। ਫੋਨ 'ਚ 5,000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 13 MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਬੁਆਏ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰ ਅਰਮੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ। ਅੰਡਰ ਡੌਗ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਜ ਧੀਰਜ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ। ਭਾਰਤੀ ਤਿਕੜੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਮੈਡਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 16-6 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਜੂ ਮੌਦਗਿੱਲ, ਆਸ਼ੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਿਤ ਕੌਰ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3-position ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਗਮਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। IOC ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਪੀ.ਵੀ. ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ। ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ 3ਰਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੀ.ਵੀ. ਸਿੰਧੂ ਨੇ 3 ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਜੀ ਚੀ ਨੂੰ 21-9, 21-11, 21-15 ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਪੀ.ਵੀ. ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ।